की रेंज में ये था, इतना प्रिटी सा है। गंगा जी में भी ट्रैफिक लगने लगा है, आप लोग बच के रहिए। यहाँ पे ये ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जस्ट बगल में मोंगा रेस्टोरेंट है, यहाँ का चाट बहुत ही फेमस है। यहाँ देखिए पानी इतना क्लीन हो चुका है कि छोटे छोटे फिश एकदम किनारे पे आ चुके हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज बहुत ज्यादा ठंड है। मैं सो के उठ चुकी हूँ और मैंने फटाफट से अपना बेड को क्लीन कर लिया है, ब्लैंकेट को फोल्ड कर लिया है और मैं नीचे गई थी, ब्रश कर ली और फिर चाय और पानी गर्म पी लिया है मैंने। और अभी मैं आप लोगों से सोची थोड़ा सा बात कर लूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कहीं पे। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, सो आप लोग मिस मत करिए, कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। हे गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ और मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। मैंने अपना आउटफिट पहन लिया है, तो मैंने ब्लैक कलर का ये एक टॉप पहना हुआ है और एक ब्लैक कलर का पैंट पहना, जेगिंग्स पहना हुआ है। सो आप लोगों से मैं मिलती हूँ रेडी होने के बाद। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रही हूँ और मैं अपने फेस को भी थोड़ा मॉइस्चराइज कर देती हूँ। मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया, अब ऑलमोस्ट डन हो गया। ये पीच कलर की मैं लिपस्टिक लगा ली जा रही हूँ। रेडी हो गई हूँ, मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। आज खाने में बना है निमोना चावल और रोटी और साग, सो एकदम देसी खाना है। सो मैं खाने के बाद तुरंत निकलती हूँ घाट के लिए। हे गाइस, तो मैंने ब्लैक कलर का ये जैकेट डाल लिया है, सो अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए। सो मैं बहुत ज्यादा ठंडे, इसलिए मुझे ये थोड़ा हैवी वाला जैकेट डालना पड़ा। सो ये बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है, तो मैं आज यही पहन के जाने वाली हूँ। ये रहा मेरा मास्क और ये मैं रेडी। गोदौली आके आप लोगों ने यहाँ का चाट गोलगप्पे नहीं खाया तो जरूर खाइए, इतना टेस्टी यहाँ पे मिलता है, आप लोगों को खाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो अभी तो फिलहाल में खाने का टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। घर पे आज कोई नहीं था, तो इसीलिए मैं लेट से निकली हूँ। तो शाम हो गया है, ठंड भी काफी बढ़ गई है, तो मैं आपको अपना फेवरेट दुकान दिखाती हूँ जहाँ से मैं काफी सूट खरीदती हूँ, कुर्तीज खरीदती हूँ, फ्रॉक सूट खरीदती हूँ। तो मैं आपको वो दुकान दिखाती हूँ। अनारकली के ठीक सामने वाला ये जो मार्केट है, यहाँ से मैंने सारा सूट जो है खरीदा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा और सस्ता यहाँ पे मिल सकता है। तो आप देखिए इधर ढेर सारे लड़कियों के कपड़े लगे हुए हैं, सारे गर्ल्स ही यहाँ पे है मार्केट, एक भी मतलब बॉय का नहीं है यहाँ पे, पूरा टोटल गर्ल्स का है। और इधर साड़ियों के बहुत सारे दुकान है, देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे शॉप है। यहाँ संतुष्टि साड़ी, यहाँ से मैंने बहुत सारी साड़ी खरीदी है। बहुत भीड़ है आज, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है ब्लॉग बनाने में। और मास्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है इतनी ज्यादा भीड़ में। विश्वनाथ गली के गेट के सामने खड़ी हूँ, यहाँ से एंटर करते हैं विश्वनाथ गली के अंदर। तो आज काफी भीड़ है और विश्वनाथ गली चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, यहाँ से आप बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे दाम पे चूड़ियाँ ले सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी।
मकान महल की गली जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। सो यहाँ इसको बगल में ही इसके कौन सा राजेंद्र प्रसाद घाट है, एग्जैक्टली राजेंद्र प्रसाद घाट है, और वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, स्टेज वगैरह सब बने हुए हैं। सो मान महल से मेरी बहुत सारी यादें हैं। पहले बहुत सिंपल, तो पहले घाट का शूट कर लेते हैं, फिर किसी और दिन मान महल के अंदर का आप सभी को व्यू दिखाऊंगी। तो यहाँ से देखिए घाट का स्टार्टिंग है, यहाँ से इतना ज्यादा यहाँ सीढ़ी है, सीढ़ियाँ चढ़ना ही यहाँ पे बहुत मुश्किल का काम है। सो मैं बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा है, और ये जो आप सामने देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, जितने भी म्यूजिकल या फिर कल्चरल कुछ इस टाइप के प्रोग्राम यहीं पे होते हैं सारे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और आज बहुत भीड़ है, बहुत रश है। ये देखिए कुछ ये है बनारस का नजारा, यही है बनारस, असली बनारस यही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल चीज देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। गंगा जी के उस पार भी कितना ज्यादा रश है, आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं उधर पीछे, आज संडे लोग मना रहे हैं, आई डोंट नो पता नहीं क्यों इतनी भीड़ है, हर संडे इतना नहीं रहता है, आज ज्यादा रश है। तो उस साइड देखिए, जस्ट इसके राजेंद्र प्रसाद घाट के जस्ट बगल में ही उस साइड जब जाएंगे हम, तो उधर दशाश्वमेध घाट है, वहां पे भी बहुत अच्छा लगता है, उधर भी काफी अच्छा चीजें हैं, मंदिर है और दर्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें। सो यहाँ से देखिए ये पूरा व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आपको मैं नीचे भी लेके चलती हूँ बोटिंग की तरफ। हेलो गाइस, देखिए मैं जैसा कि फाइनली मैं आ चुकी घाट पे, ये राजेंद्र प्रसाद घाट है, सो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं सारी बोट लगी हुई है। पूरे 45 मिनट मुझे लगा है क्योंकि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, और सबको पार करते हुए समझ लीजिए मैदागिन और गोदौलिया का जो ट्रैफिक पार कर लिया, समझिए आप कोई जंग जीत लिए हैं जैसे लगता है। सो मैं पार करके यहाँ पे आ चुकी हूँ, और मैं अपने फेवरेट प्लेस पे हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए मान महल ठीक सामने, इधर मेरे सामने दिख रहा होगा आपको, और इस साइड गंगा जी हैं, तो इधर सारी बोटिंग के लिए बहुत सारी सुविधाएं, आप अगर यहाँ पे आए बोटिंग करना चाहें तो बहुत सारा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर मेरे पीछे बनारस के पंडा लोग बैठे हुए हैं, पंडित जी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं आप सभी से मिलती हूँ बोट के पास। अभी मैं आपको बता दूँ मेरे अगल बगल अभी कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने मास्क उतार रखा है, नहीं तो इतनी ज्यादा रश में मैं मास्क बिल्कुल एकदम प्रॉपर्ली पहन के आई थी, और अभी मेरे अगल बगल कोई नहीं है, तो अभी मैं मास्क इसलिए उतार के बात कर रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा मास्क से प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सांस लेने थोड़ा प्रॉब्लम। अभी मैं ब्लैक कलर का जैकेट पहन के आई थी, हैवी जैकेट, लेकिन इतना ज्यादा पैदल चलना पड़ा, भीड़ में मुझे गर्मी आ गया, तो मैं उसको निकाल के ये अपने टॉप और केजुअल लुक में आ गई हूँ। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, और ये रहा हमारा बोट रेडी है, कुछ और लोग भी इस पे बैठे हुए हैं, तो आइए चल के उस पार आपसे मिलते हैं। हमारा बोटिंग स्टार्ट हो गया है, सो बहुत डर लग रहा है, और अभी ठंड का सीजन है तो थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ रहा है क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमको रिटर्न भी आना है, सो जल्दी से शाम हो जा रहा है अभी, तो उस पार चल के आपसे मिलते हैं। बहुत फन, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप बोट पे से कितना सुंदर नजारा यहाँ से दिख रहा है। ये रिंकू भैया, इनसे मिलिए,
और आप इनके नाव पे आके एंजॉय कर सकते हैं, घाट को घूम सकते हैं, बहुत अच्छे दाम पे ये आपको घुमा देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं बनारस का पूरा व्यू। वाओ, आपको इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, देख सकते हैं आप कितना प्यारा यहाँ से व्यू आ रहा है। और देखिए मेरे बोट पे अभी एक भैया आए हैं, ये जो बर्ड्स आ रही हैं साइबेरियन, इनको दाना डालने के लिए। सो मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए सारी बर्ड्स आ चुकी हैं यहाँ पे। वाओ, नहीं नहीं बनारस के ही है लोकल। देखिए पानी इतना क्लीन हो चुका है कि छोटे छोटे फिश एकदम किनारे पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैं पैदल चल के यहाँ राजेंद्र प्रसाद घाट से मैं दशा समय घाट पे आ चुकी हूँ, और यहाँ आरती का पूरा तैयारी चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग बैठ चुके हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो सबके बैठने के लिए अच्छा यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ से मैं निकलती हूँ, अभी स्टैंड पे जाऊंगी, अपना स्कूटी लूंगी, फिर उसके बाद मैं काफी दूर जाना है। सो 45 मिनट आई थिंक लग जाएंगे मुझे घर पहुँचते, तो अंधेरा हो जाएगा। सो उसके पहले मैं यहाँ से फटाफट निकलती हूँ। और ये आप लास्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे, और ये रही मैं। यहाँ से आप दिया को खरीद सकते हैं, और जैसा कि देख रहे हैं वहाँ ऐसे पानी में जला के लोग बहा रहे हैं, तो अब मुझे नहीं मालूम कि क्या रीजन है इसका, लोग बहाते हैं गंगा जी में दिया जला के, मालूम नहीं है। और गाइस घाट घूमने के बाद सबसे ज्यादा जो है मेहनत का काम वो सीढ़ियाँ चढ़ने में है, सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत मेहनत लगता है। तो घाट पे अभी तो पानी बहुत ठीक है, जब पानी बहुत नीचे जाता है तो सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरी हालत खराब हो जाती है, तो अभी हम लोग चढ़ रहे हैं। हेलो गाइस, मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अभी मैं खाना खा के ऊपर आई हूँ अपने रूम में। और मैं आज मार्केट से क्या क्या खरीद के लेके आई हूँ, परचेज करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाई नहीं, बट मैं गई थी डालमंडी मार्केट, और वहाँ पे काफी रश था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि इतना ज्यादा धक्का मुक्की हो रहा था कि मुझे ठीक नहीं लगा वहाँ पे शूट करना, इतना ज्यादा भीड़ था वहाँ पे। तो मैंने कुछ चीजें खरीदी वहाँ से, और बहुत ही कम प्राइस पे, मतलब बहुत रीजनेबल प्राइस पे। आप देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि नहीं, इतना सुंदर चीज इतने सस्ते में कैसे मिल गया। सो आइए देखते हैं मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ, और आपको पसंद आता है कि नहीं जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। सो सबसे पहले मैं ये सॉक्स खरीद के लाई हूँ, क्योंकि मुझे सॉक्स शूज के साथ पहनना पसंद है, और ठंडी में ऑब्वियसली बात है सब लोग पहनता है, तो मैं ये खरीद के लाई हूँ। 20 रुपीज की ये सॉक्स है, बहुत ही प्रिटी साइज का कलर है, बहुत ही सुंदर सा इसका प्रिंट बना हुआ है, ये मैं खरीद के लेके आई हूँ 20 रुपीज का। सो ये पहला मेरा आइटम है। और दूसरा मैं ये पाउच खरीद के लेके आई हूँ, ये मेकअप ब्रश रखने के लिए मैं ये पाउच खरीद के लेके आई हूँ। ये आई थिंक 150 या समथिंग कुछ पड़ा था, ऐसे ही 150 के अंदर में ही था, और ये बहुत सुंदर सा बहुत क्यूट सा ये पाउच है, इसमें मैंने अपने ब्रश को रख भी दिया है, तो बहुत सारे इसमें मेरे मेकअप ब्रशेज हैं सारे इसमें रखे हुए हैं मैंने, तो ये बहुत प्रिटी सा ये देखिए। ये मेरा सेकंड नंबर है, परचेजिंग मैंने इसको किया है सेकंड नंबर पे। और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट जो अभी तक में मैंने खरीदा है वो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ आई में।
गाइस आई लव इट, वाओ इतना ज्यादा सुंदर, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल सा ये ग्रीन कलर का इयररिंग है। काफी बड़ा है, हैवी है, और मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इसे खरीदा है समथिंग 200 या 230 तक में 230 तक में ही खरीदा है मैंने इसे, इससे ज्यादा मैंने इसका पे नहीं किया है। सो ये बहुत ज्यादा प्रिटी है, बहुत ज्यादा सुंदर है, ओ माय गॉड। बहुत सुंदर है ये, और मैंने एक चीज और खरीदा है। आपने नायका पे देखा होगा कि ये इयररिंग नहीं तो 500 या 600 के रेंज में था। ये देख सकते हैं आप, ये नायका पे आपने देखा होगा, नायका और मिंत्रा पे, सब पे देखा है ये इयररिंग। बहुत ज्यादा प्रिटी है, ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल है। बताइएगा आप लोग कैसा लगा। वाओ, बहुत ज्यादा प्रिटी है, और मात्र ये हमको पड़ा है अराउंड 250 या 220 ऐसे ही था इसका प्राइस, कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने एक साथ ही सारा सबका पे किया था सारे सामान। ये एक स्टोन रिंग है, ये सिंगल स्टोन रिंग है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था मुझे कि ये किसी साड़ी वाड़ी पे, मुझे हमेशा रिंग मुझे अच्छा लगता है पहनना, तो मैं इसको ले ली हूँ। ये रिंग मैंने मम्मी के लिए लिया है, क्योंकि मम्मी को रेड कलर थोड़ा पसंद है, उनकी बहुत सी साड़ियाँ रेड है, तो उनके पास कोई रिंग नहीं था, तो मैंने ये रिंग खरीदा है। ये पर्ल का रिंग है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये भी बहुत सुंदर है, ये भी हमको लग रहा है 80 या 70 रुपीज कुछ ऐसे ही इसका प्राइस जो था वो था, तो बहुत सही है, बहुत सुंदर है ये। और अभी ये सारा सामान टोटल मैंने 700 में खरीदा था, ये सारा सामान, एक पिन भी मैंने उनसे मांगा, क्योंकि ये तो मतलब इस कुछ भी हो जाए ये हमेशा घटा ही रहता है, हमेशा सबको ये चाहता ही रहता है, घटता ही रहता है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा उनसे मांग रखा है ये। तो ये सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज का मैंने 700 पे किया है, सो बहुत मुझे अच्छे दाम पे मिल गया है। तो आप लोग भी दालमंडी मार्केट विजिट कर सकते हैं, और बहुत सही दाम पे वहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, तो आप लोग जरूर जाइएगा वहाँ पे। बैंगल्स वगैरह की कलेक्शन भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और बैंगल्स, चूड़ियाँ, स्लीपर्स, मतलब एवरी चीज वहाँ पे, एवरीथिंग, मतलब हर चीज वहाँ पे सस्ती मिल जाती है, हर चीज वहाँ पे सस्ती मिल जाती है, बहुत अच्छे प्राइस। हेलो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।